हेलो ऑल, सबका स्वागत है अपना गवर्नमेंट चैनल पे NTFC से एग्जाम प्रिपरेशन क्रैश कोर्स में। तो आज है अपना पार्ट 11 न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल एप्टीट्यूड का, ठीक है। तो डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे जितने भी बाकी है, और ये जो वीडियो है आपका फ्राइडे का था लेकिन आज आप देख रहे हो सैटरडे आफ्टरनून में, ओके। तो अभी सबसे पहले, जाने से पहले, जस्ट आपका थॉट क्या है आज का? वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस बी योर नॉइज, ठीक है। तो जो आपका काम है आराम से करो, सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से करो, और एक दिन शोर मचेगा और वो शोर आपके सक्सेस का होगा, ठीक है, सब और सभी जगह होगा। तो ये फैक्ट है, एक्चुअली रियलिटी है, और इससे ही हम अपना स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर, प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन में क्या हम देखेंगे क्विकली, क्योंकि मुझे लगता नहीं DFC सेल में पूछेंगे ये, ओके, लेकिन फिर भी पूछा एक क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ। तो प्रोपोर्शन मतलब क्या, सिंपल आपको याद रखना है कि जब भी दो से ज़्यादा रेशियोज जो होंगे वो इक्वल होने वाले हैं, ओके, तभी हम उनको बोलेंगे वो प्रोपोर्शन में है, अनुपात में है, सेम ही मीनिंग है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एक्चुअली चैप्टर आपका ऐसा ही है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो सपोज एग्जांपल लेता हूँ मैं, अगर ए बी है ये एक रेशियो हुआ, और सी डी है ये एक रेशियो हुआ, और ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो हम बोलेंगे ये प्रोपोर्शन है, ठीक है, सिंपल। तो अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, राइट, क्योंकि आपको पता है ए बी मतलब ये रेशियो क्या होता है, ए बाय बी होता है, फॉर्म इज इक्वल टू सी बाय डी, ठीक है। तो अगर मुझे सी निकालना है तो मैं डी को उधर भेजूंगा, और बी तो है ही इधर, राइट, ऐसे हम कर सकते हैं। तो अभी देखिए क्या करते हैं, हम ए को डी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, तो डायरेक्टली ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, ठीक है। जो ये स्टेप था ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी, ओके, और इसको ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, तो ये अपना स्किप होता है, ओके। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जब भी ऐसा होता है तो बाहर वालों का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू अंदर वालों का, ओके, बाहर वालों का इज इक्वल टू अंदर वाले का, ये आप याद रखो। अभी इसमें ही क्या है, एक टाइप होता है फोर्थ प्रोपोर्शन, ओके, थर्ड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, तो एक एक देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट देखते हैं हम फोर्थ प्रोपोर्शन, ये क्या रहने वाला है, बेसिकली आपको तीन वैल्यूज दे रहेंगे, ओके, और आपको फोर्थ वाला निकालना होगा, ये फोर्थ वाला आपको निकालना होगा, ठीक है। कैसे निकालोगे फिर, सिंपल, ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय एक्स, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स उधर जाएगा, बी इधर, बी इंटू सी हो जाएगा, ए अपना नीचे गया, ठीक है। तो x का वैल्यू ये होगा, सपोज आपको वैल्यू देता हूँ मैं ए वन बी टू सी थ्री, ठीक है। तो जस्ट वैल्यू पुट करो, टू इंटू थ्री सिक्स अपॉन वन, ओके, तो आंसर मेरा x का कितना है, सिक्स। तो ये मेरा क्या है, वन टू थ्री एंड सिक्स, ओके, क्लियर। देखो वन इंटू सिक्स, सिक्स इज इक्वल टू टू इंटू थ्री, सिक्स, बाहर वाला इज इक्वल टू अंदर वाले, ओके, सिंपल। ये हुआ मेरा फोर्थ प्रपोर्शन, मतलब फोर्थ वाला, एक दो तीन चार, ठीक है, फोर्थ। अभी पूछते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, ये भी पूछते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। तो इसमें आपको क्या निकालना है, ए बी और एक्स दिया होगा, ठीक है, तीन वैल्यू दिए होंगे और आपको एक्स निकालना है। तो क्या करना है, जो मिडल वाला है उसको दोनों तरफ बटा ये करना है, डिवाइड कर देना है, मतलब इसको भी देना है और इसको भी देना है, ठीक है। कैसे, ए बाय बी इज इक्वल टू बी बाय एक्स, इस तरीके से आपको देना है, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर बाय ए, क्लियर। थोड़ा फास्ट जाएंगे क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपका, और ईजी भी है बहुत, एक्चुअली इसमें कुछ ज़्यादा मतलब ये नहीं है, ओके। अब आएगा मीन प्रोपोर्शन, तो मीन प्रोपोर्शन में आपको मिडल वाला पूछेगा, मिडल वाला, ओके। तो मिडल वाला कैसे निकालेंगे, अगेन मिडल वाले को डिवाइड कर दो, तो ए बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय बी, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी इंटू ए, बी इंटू ए, राइट। तो एक्स का वैल्यू कितना हो मेरा, रूट ओवर बी इंटू ए। तो अगर मुझे ए और बी दिया है, सपोज वन, और मैं निकालता हूँ इधर फोर, तो मेरा आंसर क्या होगा एक्स का, टू, ठीक है, आंसर मेरा होगा, यह याद रखना है, ओके। तो ये आपको पूछ सकते हैं, ऐसे ही सॉल्व करना है आराम से, ठीक है, इस फॉर्म में लेके आओ, नहीं तो डायरेक्टली अभी इसमें नहीं कर सकते, लेकिन इस फॉर्म में लेके आओ, ठीक है, इस फॉर्म में लेके आओ, ओके। अभी हम जाते हैं एक्चुअली अपने रेशियो पे, कंसेप्ट पे। तो डिफरेंस ऑफ रेशियो, और इधर मैं ऐड करता हूँ एडिशन, ओके, ज़बरदस्त कंसेप्ट है बहुत। अभी देखिए, दो नंबर लेता हूँ कोई भी आपके लिए, ओके, पाँच लेता हूँ, आठ लेता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ अभी, ये दो नंबर में, ठीक है, तीन तीन ऐड कर देता हूँ हर एक में, पाँच में भी तीन ऐड करता हूँ और आठ में भी तीन ऐड करता हूँ, ठीक है। तो ये बना मेरा एट और ये बना मेरा इलेवन, ठीक है। तो पहले मेरे नंबर थे फाइव इज टू एट, ये मेरा रेशियो में कन्वर्ट करता हूँ मैं, ठीक है। अभी मेरा नंबर हो गया है एट इज टू इलेवन, ओके। प्रॉपरली ऑब्जर्व करेंगे क्या क्या मिला है अपने को। मैंने क्या किया, एक नंबर था दोनों में ऐड कर दिया, पाँच में भी आठ में भी, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, वो जो नंबर था मेरा वो सेम था, इधर भी तीन है इधर भी थे मैं, तो सेम नंबर मैंने दो नंबर्स में जो दिए थे मुझे मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। क्या क्या हुआ है अभी इसकी वजह से, एक तो ये जो डिफरेंस है आपका, ये तीन है और ये भी तीन है, ओके, सेम है,
ये डिफरेंस जो है आपका, ये भी तीन है और ये भी तीन है, ठीक है। तो फर्स्ट आप ऑब्जर्व करोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। अगेन सेम मैं लेता हूँ टोटल, ठीक है। टोटल मेरा कितना था इधर, 8 + 5 कितना हुआ मेरा, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। और इसका टोटल कितना हुआ मेरा, 19। तो आप कितना डिफरेंस देख रहे हो, 6 का डिफरेंस देख रहे हो। क्यों आ रहा है 6 का डिफरेंस, 3 + 3, ठीक है। दोनों में ऐड किया ना, दोनों नंबर में ऐड किया, इसमें भी इसमें भी, मतलब टोटल मैंने 6 ऐड किया है, तो टोटल 6 का एडिशन मुझे इधर दिख रहा है, ठीक है। ओके, तो इतना प्रॉपर ऑब्जर्वेशन आपको अपने नोट्स में लिखना है इसी फॉर्म में। और अभी क्वेश्चन आएंगे, तो क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं ये कंसेप्ट को, ठीक है। तो मैं इसको लेता हूँ इस साइड पे, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, ओके, माइनस नहीं किया लेकिन अभी माइनस हम इधर करेंगे, फ्रॉम बोथ टर्म्स ऑफ द रेशियो 15:19 इन ऑर्डर टू मेक इट 3:4, ठीक है। तो 15:19 इसको 3:4 बनने के लिए क्या नंबर अपने को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ओके, ये अपने को पूछा है। तो इधर मैं लिखता हूँ आराम से 15:19 और 3:4, ओके। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था अपना, डिफरेंस चेक करना है, मतलब ये मेरा कितना है, ये 4 है और ये मेरा 1 है, ओके, और ये मेरा कितना है 12 एंड ये मेरा कितना है 15, राइट। अभी इधर मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे इक्वल करना है, राइट। हमने क्या देखा था, इक्वल था ना, ऊपर का भी नीचे का भी और राइट का भी लेफ्ट का भी इक्वल था, एक ही था, लेकिन इधर डिफरेंट है, ऊपर का नीचे का भी डिफरेंट है और इधर का भी, कोई भी एक पकड़ो, ओके। अभी इधर थोड़ा मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, क्योंकि 12 और 15 है, तो इसको मैं नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, जो ऊपर वाले हैं वो ईजी लग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 1 है इधर। तो ये जो 1 है इससे मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, ये जो 4 है इससे मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, ओके। ऑब्जर्व करो प्रॉपरली, देखो तो क्या होने वाला है, 15 × 1, 19 × 1, ठीक है, कुछ नहीं, 4 × 3, 12, 4 × 4 = 16, ठीक है, सिंप्लीफाई मत करो। अभी देखो ये 4 है, ये 4 है, परफेक्ट, ये 3 है एंड ये भी आपका 3 है, ठीक है, ये भी आपका 3 है। मुझे पूछा था उन्होंने कि कितना नंबर ऐड किया है मैंने, तो कितना नंबर ऐड किया है देख सकते हो आप, पहले 15 था अभी 12 बना, पहले 19 था अभी 16 बना, दोनों का कॉमन आ गया है 3, मतलब 3 ही ऐड किया है मैंने, 3 ही मैंने ऐड किया है, ओके। और अगर पूछता टोटल में कितना ऐड किया है, तो टोटल मेरे 3 + 3 = 6, सॉरी सब ट्रैक्ट, ओके, कम कर दिया है, तो 3, 15 था 12 हो गया ना, 3 कम हो गया, 19 था 16 हो गया, 3 कम हो गया, ठीक है। तो इसके लिए ये जो वैल्यू रहेगा आपका, इस तरीके से आपको फाइंड करना है, ठीक है। और इसको कॉमन बनाने के लिए मैंने ऊपर वाले का यूज़ किया, ऊपर वाला जो था डिफरेंस उसका यूज़ किया, मल्टीप्लाई किया, तो मुझे ये कॉमन मिल गया, ओके। और जो मैंने ऐड किया, सब ट्रैक्ट किया, वो अपने को इससे पता चल जाता है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड द रेशियो बिकम्स 3:4 व्हेन 8 इज एडेड टू बोथ, ओके, 8 जो है दोनों में ऐड कर रहे हैं, तो आपको सम निकालना है, दो नंबर का सम क्या है, ठीक है। तो पहले, उससे पहले क्या निकालना पड़ेगा, दो नंबर्स कौन से ये निकालने पड़ेंगे। तो वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, क्वेश्चन सेम अप्लाई करो, देखो। तो मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ इधर 2:3 और 3:4, चेक करूँगा कि डिफरेंस 1 है, 1 है, यस, सेटिस्फाई हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो 1 है यही मेरा क्या है, 8 है, ठीक है। तो मेरा आंसर जो है इधर 8 × 16, 8 × 3 = 24, तो आंसर हुआ मेरा 40, ओके। एक्चुअली अगर दूसरा मेथड आपको चाहिए जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, तो ये तो हुआ आपका, ठीक है, ये तो आपको पता चला। अभी इसमें क्या हो रहा है, देखिए रेशियो 2:3 है, ठीक है, इसमें मैं कुछ तो ऐड कर रहा हूँ, इसमें मैं कुछ तो ऐड कर रहा हूँ जो मुझे 3:4 मिला है। क्या ऐड कर रहा हूँ, 8 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा रेशियो है, मुझे अगर ये नंबर चाहिए, एक्चुअल नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको मैं लिखूंगा 2x एंड 3x, ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये एक्चुअल नंबर नहीं है, ठीक है। इसमें मैं दोनों में ऐड कर दिया 8 जो मुझे क्वेश्चन में दिया है, और फिर मुझे नया रेशो मिला 3:4, देखो, ठीक है। फिर क्या, मल्टीप्लाई करो इधर, तो 8x हो गया, ये आपका 32, ये 9x + 24, ये इधर आ गया 6 और 8 हो गया, ये इधर आ गया x = 8 आ गया, और 8 = क्या दिया है, सम ना, तो मुझे ये निकालना है 2x, तो 8 × 16 एंड 3x, 8 × 24, ऐड कर दो, 40 आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर। ये दूसरा मेथड है, और पहला मेथड आपका डायरेक्ट रेशो से है, अगर आपको वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, एक्चुअली इजी है वो, ओके, वो मुझे पसंद है, लेकिन फिर भी आप ये कर सकते हो, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है इधर उधर, ठीक है, वो प्रॉब्लम है। तो देख लो अपने हिसाब से, जो जैसा आपको अच्छा लगे, ओके। नाउ ये तो हो गया वो टाइप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे आता है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4, देयर एलसीएम इज 180, द फर्स्ट नंबर इज, ठीक है। अभी एलसीएम एंड एचसीएम बहुत अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट किया है 10 क्वेश्चंस में, ठीक है। उधर हम क्या कर रहे थे, बेसिकली आपको याद होगा, मैं कॉमन निकाल रहा था बाहर, ठीक है,
बाहर दोनों नंबर में से कॉमन मिला मुझे, तो मुझे मिलता था एच सी एफ, ठीक है, और अंदर बचते थे मेरे ए बी, जो मेरे थे क्या थे एक्चुअली रेशियो थे, ये क्या थे को प्राइम नंबर्स थे, प्रॉपरली हमने देखा है, और तीनों को जब मल्टीप्लाई करता हूँ मैं एच सी एफ इंटू ए इंटू बी, तब मुझे मिलता है एल सी एफ, ठीक है, इधर हमने कॉन्सेप्ट देखा है। तो यही अभी मैं इधर यूज़ करूँगा जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो एल सी एफ मुझे 180 दिया है, मुझे रेशियो दिया है 3:4, तो 3:4, एच सी एफ मुझे नहीं दिया है तो एक्स का वैल्यू में सपोज एक्स मानता हूँ, एक्स का वैल्यू में निकालूंगा तो ये 12 और ये आपका कितना टाइम्स हो गया, 15 टाइम्स हो गया, ओके तो एक्स का वैल्यू मुझे 15 मिला, मुझे निकालना है फर्स्ट नंबर, 15 3 45, ये मेरा आंसर हुआ, ठीक है, सिंपल वही हम कर रहे थे इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। जिनको मतलब प्रॉब्लम है एल सी एफ एल सी एफ प्रॉपरली देखो, ओके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट टू नंबर्स इन द रेशियो 3:4 एंड एच सी एफ इज 15, अभी एच सी एफ 15 दिया है मुझे, ओके तो अगेन एच सी एफ में हमने क्या देखा था, एल सी एम एच सी एफ में जब अपने को नंबर चाहिए होते तब एच सी एफ में दोनों को दे देता हूँ, ठीक है, जैसे कि एच सी एफ मैंने बाहर निकाला, ठीक है, बचते मेरे रेशो ए बी, तो ये अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे एक नंबर मिलेगा, और ये अगर मुझे इस ये करूँगा इससे मल्टीप्लाई तो दूसरा नंबर मिलेगा, ऑलरेडी एच सी एफ एल सी एम में देख चुके हैं, राइट। तो जस्ट 15:3 को दे दो ये 45 हो गया, और 15:4 को दे दो ये 60 हो गया, टोटल एडिशन मेरा 105 हो गया, ठीक है, बहुत ही ईजी तरीके से आप कर रहे हैं, ये एक्चुअली हमने ऑलरेडी किया है जस्ट अभी रेशियो चैप्टर में, कैसे हम कर सकते हैं देखो, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, टू नंबर आर इन द रेशियो 3:5, इफ व्हिच नंबर इज इंक्रीज बाय 10 द रेशियो बिकम्स 5:7, द स्मॉलर नंबर इज, ठीक है, बिगर स्मॉलर नंबर है, ओके तो 10 बढ़ा रहे हैं हम 3 और 5 दोनों में और रेशियो बन गया 5:7, ठीक है। अगर इजी वाला मेथड चाहिए तो कैसे करेंगे, 3:5 5:7 चेक करो, डिफरेंस टू है सेटिस्फाइंग है, ठीक है, तो मतलब ये जो 2 है ये मेरा क्या है 10 है, ये मेरा कितना है 5 टाइम्स है, तो ये मेरा 5 3 15 एंड 5 5 25, ओके, और मुझे पूछा है स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर मेरा 15 है आंसर, ओके आंसर। अगर उस मेथड से जाना है तो वो सभी जा सकते हो आप, ठीक है, 3x+10 और 5x+10 रेशियो बन गया 5:7, 21x+70 = 25x+50, तो ये 20 और ये 4 मतलब 5 और 5 में और ये अगेन 3 15, ठीक है, ऐसा आप फास्ट कर सकते हो क्विकली। जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, आज लोड होने में टाइम लग रहा है क्वेश्चंस, क्योंकि ये हिंदी भी है ना इसलिए थोड़ा मतलब लोड लेता है वो, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है, ओके कोई बात नहीं। द इनकम ऑफ ए बी सी आर इन द रेशियो 3:7:4 एंड देयर एक्सपेंसेस इन द रेशियो 4:3:5, इफ ए सेव्स 300 आउट ऑफ इनकम ऑफ 4,400, ए का इनकम दिया है मुझे और उसमें से 300 वो सेव करता है, ठीक है, द सेविंग ऑफ बी एंड सी अपने को निकालना है। अभी देखिए इसमें एक तो हमने टाइप देखा इनकम एक्सपेंस और सेविंग का परसेंटेज में, ठीक है, वो परसेंटेज स्टाइल में था, अभी रेशियो स्टाइल में है, तो रेशियो स्टाइल में कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में एक तो मुझे तीनों का इनकम का रेशियो दिया है, एक्चुअल इनकम मुझे नहीं पता है क्या है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है मुझे पता नहीं, रेशियो दिया है, और ये तो मेरा इनकम का था और ये मेरा एक्सपेंस का भी उन्होंने दिया है 4:3:5, ठीक है। एक उन्होंने अच्छी चीज़ दी है कि मुझे एक का जो है मतलब एक का मुझे एक तो टोटल सैलरी दिया है, टोटल सैलरी कितना है 22,400 और ए सेव करता है 300। कंसेप्ट क्या था अपना परसेंटेज में, जब भी आपका सैलरी आएगा आप क्या करोगे, एक तो उसे खर्च करोगे या सेव करोगे, मतलब ए 300 सेव कर रहा है तो खर्च कितना कर रहा है, उसका एक्सपेंस कितना है 2100, ठीक है, इतना ही अपने को चाहिए था। अभी देखो क्या करना है, जब भी ऐसा है, ठीक है, एक आपको इनकम दिया है 2400 तो मतलब ये 3 जो है ए का है, ठीक है, ए बी सी इस तरीके से बोलो मत, तो ये जो 3 है ये मेरा ए का है, ओके, कितने टाइम्स है 1200 टाइम्स, तो ये 1200 से इसको ही मल्टीप्लाई करना है एक्सपेंस के नहीं, क्योंकि ये 1200 हमने इनकम के लिए निकाला है, ओके, इधर 1200 सब जगह 1200 नहीं करना है, तो ये कितना हो गया इनकम लिखता हूँ मैं 2400 ए का, बी का कितना होगा 1230 84, ठीक है 84 एंड 4800, ठीक है, थोड़ा प्रॉपरली आज ज़रा स्पीड में जा रहा हूँ, ओके ये होगा इनकम, एक्सपेंस कितना है ए का 2400, ठीक है, तो मतलब ये 4 का वैल्यू मुझे दिया है 2100, ये एक्सपेंस है कितने टाइम से देखो 4 5 ज़ा, ठीक है, एक बचा 2, 4 2 8, ओके, और 2 5, तो 5 2 5, ओके, अगेन 4 5 ज़ा 20, 1 5 2 ज़ा, ओके 1 5 2 ज़ा, ठीक है 5 25, मतलब एक्सपेंस जो है ए का 2100 है, ओके, बी का कितना है 3 से मल्टीप्लाई करो 3 5 ज़ा 15, 7 and 15, एंड अगेन 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 एंड 2 आ गए उधर से,
एंड 26, ओके इस तरीके से मुझे मुझे मिल गया इसका इनकम भी और एक्सपेंस भी, ठीक है इधर तक आओ। क्या पूछा है? सेविंग पूछा है बी और सी का। तो ए का सेविंग कितना है? 300 जो ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में। बी का सेविंग कितना है? बी का सैलरी 8400 है, ठीक है 8400 है, और उसमें से वो खर्च कर रहा है 1575, मतलब कितना बचा? देखिए इसको 25 दे दो कितना हो गया 1600, ठीक है, और 84 में से 16 अगर मैं माइनस करूँगा तो कितना बचेगा मेरा? ओके ओके ओके, ये मेरा जल्दी जल्दी में इधर क्या हो गया, मिस्टेक हो गया, तो ये मेरा कितना है 800 टाइम्स है, ठीक है ये थोड़ा हो गया इधर, तो ये मेरा हो गया 5600 और ये मेरा हो गया 3200, ठीक है अभी निकालो क्विकली। तो देखिए 5600, क्योंकि इधर मैं ऑप्शन में देख रहा था कि ऑप्शन में 60 नहीं है, ओके 40 तक है, लास्ट 40 की वैल्यू इसलिए, ओके तो ये तो हो गया मेरा 4025, एक हो गया बी, और सी का कितना है? ये मेरा 3200 है, 625 है, इसको मैं देता हूँ 75, ओके 27 हो गया, 2705, 575, ओके तो करेक्ट आंसर आपका यह है बी सेव करता है 4025 एंड सी सेव करता है 575 रुपीज़, ठीक है। तो जल्दी जल्दी में कभी भी ऐसा होता है इसलिए जल्दी मत करना ज़्यादा, ओके जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो आई होप आपको पता चला कि ये टाइप को कैसे हैंडल करना है, इनकम और एक्सपेंस को, ठीक है ओके अभी देखिए। बिटवीन टू कॉन्जिकेटिव ईयर्स माई इनकम आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 एंड एक्सपेंसेस इन द रेशियो ऑफ 5:9। इफ माई इनकम इन द सेकेंड ईयर इज 45,000 एंड माई एक्सपेंस इन द फर्स्ट ईयर, ठीक है इनकम दिया है सेकेंड ईयर का और एक्सपेंस दिया है 25,000, मतलब फर्स्ट ईयर का दिया है मुझे, तो मुझे निकालना है टोटल सेव कितना किया है मैंने 2 साल का, ठीक है ओके तो कुछ तो मेरा सैलरी होगा, ओके ये फर्स्ट ईयर था और ये सेकंड ईयर था, उसका रेशो दिया है एक्चुअली, तो फर्स्ट ईयर मेरा सैलरी था 2:3, ठीक है सेकंड ईयर 3 था, फर्स्ट ईयर 2 था सपोज, ये मेरा सैलरी था इनकम। एक्सपेंस मैंने कितना फर्स्ट ईयर मैंने खर्चा किया अभी 5, ठीक है और सेकंड ईयर में 9 खर्चा किया, ये मुझे दिया है। अभी इधर मुझे क्या दिया है उन्होंने? इनकम सेकंड ईयर का दिया है, मतलब ये जो 3 है इसका वैल्यू मुझे दिया है 45,000, तो कितने टाइम से देखो, कितने टाइम से 15 टाइम्स, ठीक है 15 और ये 30 मतलब 15,000, ओके तो अगर ये 15,000 है 15 टाइम्स है तो ये मेरा कितना अगेन 15 टाइम्स होने वाला है, मतलब मेरा जो फर्स्ट ईयर का सैलरी है वो 30,000 था, ओके और सेकंड ईयर में बढ़ गया 45,000 हो गया, ओके इधर तक हम आ गए। एक्सपेंस में क्या दिया है? फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस मुझे 25,000 दिया है, मतलब ये 5 का जो वैल्यू है मुझे दिया है 25,000, कितने टाइम्स देखो 5,000 टाइम्स, तो 45,000 ठीक है और ये मेरा एक्सपेंस आ गया, पहले साल में खर्च कर रहा था 25,000, ओके और अभी मैं खर्च कर रहा हूँ 45,000, पूरा खर्च कर रहा हूँ मैं, ऐसा कैसे पूरा, ओके पूरा खर्च कर रहा हूँ लगता है, ओके तो मुझे दिया है टोटल सेविंग कितना है, सेव कितना किया, तो ये टोटल मेरा इनकम था 2 साल का 75,000, ओके उसमें से मैंने खर्चा किया कितना किया 70,000, मतलब मैंने सेव किया ओनली 5,000, ठीक है तो 5,000 मेरा आंसर है, ये तो इधर ही कट हो गया था, जैसे इधर से 5,000 डायरेक्ट कर सकते थे, तो इस तरीके से आप करने वाले हो, ठीक है इनकम वाले को इनकम को दे दो, एक्सपेंस वाले को एक्सपेंस को दे दो, ओके तो ये थे रेशियो के क्वेश्चंस। अभी कॉइंस वाले क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, स्केच प्रोबेबिलिटी एक क्वेश्चन आपको आ सकता है इधर से, ठीक है तो सबसे पहले आपको पता होगा अगर आपने बचपन में आप जब भी हम जो 90s और 80s के किड्स उनको पता है, ओके 10 पैसा 20 पैसा अपने पास थे, तो जो 1 रुपया रहता था अपना 1 रुपया, ओके वो कितने रहते थे, उसका मीनिंग 100 पैसा, अगर रुपीज़ से मैं 100 में पैसे में करूँ तो 1 रुपये मेरा वैल्यू उसका था 100 पैसे, ठीक है। अभी सपोज आपके पास 5 रुपये है, ओके 5 रुपये है और मैंने आपको नोट दिया है 100 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का आपको नोट दिया है, मतलब आपके पास कितने कॉइन है, 5 के कितने कॉइन है, आप कैसे निकालोगे, 100 को डिवाइड कर दोगे 5 से, ठीक है तो आप बोलोगे 20 कॉइन्स से, ऐसे 20 कॉइन्स से, ठीक है। अगर 100 रुपीज़ के मुझे 1 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं मेरे पास निकालने, तो 100 कॉइन्स है, ओके सिंपल है। अभी देखिए अभी इसमें एक तो पता चला अपने को कि जो 100 पैसा रहता है मेरा, 100 पैसे वो मेरा रहता है 1 रुपये, ठीक है तो अगर 50 पैसा है तो 50 पैसा का वैल्यू क्या रहेगा, ओके 50 पैसा का वैल्यू क्या रहेगा, तो ये देखो डिवाइड बाई 2 हुआ है तो इधर भी डिवाइड बाई 2 कर दो, मतलब 0.5 रुपये, कितना आधा रुपया, ओके अगर 25 पैसे है, अगर 25 पैसे है तो उसका रुपीज़ में वैल्यू कितना रहेगा, तो देखो कितना डिवाइड किया है 4 टाइम्स, राइट तो इसको भी 1 रुपये को 4 टाइम्स डिवाइड कर दो, 1/4 रुपीज़, ठीक है तो अगर मैं इधर देखूँ 20 पैसा है तो 20 पैसा मतलब कितना हुआ 1/5 रुपीज़,
तो इस तरीके से हम कन्वर्जन करेंगे, ओके okay? इस तरीके से आप कन्वर्जन करने वाले हो, ठीक है, ओके okay. तो अगर अगर अभी मैं आपको 100 रुपीज़ दूँ, ओके okay? और आपके पास 50 पैसे का कॉइन है, तो अगर मैं पूछूँ आपके क्यों 50 पैसे 100 रुपीज़ तक कितने हैं आपके पास, कितने नंबर ऑफ कॉइन्स है, तो आप कैसे करोगे 100 को हम क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे ना, 5 रुपये के कॉइन थे आपके, 100 रुपीज़ थे, तो कितने कॉइन्स थे 5 रुपये के आपके, 20, कैसे कहा है 20, 100/5, तो इधर भी हम 100/ क्या करेंगे 1/2, क्योंकि रुपये में वैल्यू 1/2 है, तो मेरे जो टोटल 50 पैसा है वो कितने कॉइन्स है 200 कॉइन्स है, तो जब भी 50 पैसे मेरे 200 कॉइन्स होंगे तब मेरा वैल्यू जो रहेगा 100 रहेगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इसमें अभी आता है, देखिए मैं क्या बोला, जब भी मेरे पास टोटल कॉइन्स और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 200 रहेंगे, किसका डिस्कशन चालू है 50 पैसे का, ठीक है, तभी उसका वैल्यू, ओके okay? एक तो था नंबर ऑफ कॉइन्स और दूसरा था मेरा वैल्यू, वैल्यू कितना होगा 100 होने वाला है, ठीक है, तो जस्ट 200 रुपीज़ का अगर हाफ कर दोगे तो वो आपको 100 मिलने वाला है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपकी दो चीज़ें हैं, एक तो नंबर ऑफ कॉइन्स एंड वैल्यू ऑफ कॉइन, वैल्यू ऑफ दैट नंबर, ठीक है, तो ये दो चीज़ें पे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके पास टोटल 25 पैसे के कॉइन्स है और उसका जो टोटल वैल्यू आ रहा है वो 100 रुपीज़ है, तो आपके पास कितने कॉइन हुए 25 पैसे के, तो आप क्या करोगे 100/1/4, ओके 400, टोटल मेरे पास 425 पैसे के कॉइन है और इनका वैल्यू जो है वो क्या है 100 है, ठीक है, इसको जस्ट आप चाहिए तो डिवाइड कर सकते हो 4 से, तो इसको तो आपका क्या मिलेगा 100 मिल जाएगा, ओके तो इस तरीके से करना है। तो बेसिक अगर आपको इधर कन्फ्यूजन होता है तो याद कैसे रखना है, ओके 5 रुपीज़ के कॉइन्स कितने रहेंगे, अगर उसका वैल्यू 100 है तो 100/5 मतलब 20 कॉइन्स, ये आप एक एग्जांपल याद रखो, इससे ही सब आपको याद रह जाएगा और ये तीनों आपको वैल्यू याद रखने हैं, ठीक है। अब इधर आपको 20 पैसा भी दे सकते हैं, 30 पैसा भी दे सकते हैं, कुछ भी पैसा दे सकते हैं, ओके इस तरीके से आपको करना है। तो नंबर ऑफ कॉइन्स एंड वैल्यू इस पर पूरा खेल है अभी, तो देखते हैं स्टार्ट करते हैं, ओके आराम से देखते हैं अभी, ठीक है स्पीड कम करते थोड़ा। अ बॉक्स कंटेन 420 कॉइन्स, एक बॉक्स है उसमें 420 कॉइन है इन रुपी 50 पैसा एंड 20 पैसा, ठीक है, तो 420 कॉइन है, मिक्स कॉइन है, 1 रुपये का कॉइन है, 50 पैसे कॉइन है, 20 पैसे कॉइन है, सब मिक्स बॉक्स में कॉइन है, उसका टोटल वैल्यू आ रहा है 420 रुपीज़, ठीक है, सॉरी 420 कॉइन्स है, ऐसे 420 कॉइन्स है, रुपी वैल्यू पता नहीं, द रेशो ऑफ देयर रुपीज़ वैल्यू इज 13, 12, 11 and 7, ये मुझे दिया है, रेशो दिया है उन्होंने, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू दिया नहीं है, तो 1 रुपये के जितने भी कॉइन है ये 13 है सपोज, वैल्यू नहीं है, रेशो है 50 पैसा एंड 20 पैसा, द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन अपने को निकालना है, ठीक है, ओके। तो अभी इधर मेरे पास डेटा क्या क्या है पहले वो देखते हैं, एक तो 420 कॉइन्स है मेरे पास, टोटल कॉइन्स मेरे पास आ गए हैं, ओके टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है 420, ओके तो सपोज वैल्यू दिया है मुझे, ठीक है, तो मैं इधर लिखता हूँ वैल्यू, इधर लिखता हूँ मैं 1 रुपया, आराम से समझो, ठीक है कोई जल्दी नहीं है, आराम से समझो 50 पैसे एंड 20 पैसे, ये मुझे क्या दिया है रेशियो, वैल्यूज कितना है 13, 11, 7, ओके। अभी देखिए 1 रुपये के कॉइन कितने होंगे जिसका वैल्यू 13 होगा, 1 रुपये के कॉइन कितने होंगे जिसका वैल्यू जो है 13 रुपये होगा, तो होंगे वो 13, ऑब्वियसली 13 × 1 13 रुपीज़, ठीक है अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर मेरा है 11, ठीक है, तो 11 रुपीज़ होने के लिए 50 पैसा मेरे पास कितना होना चाहिए, तो 50 पैसा क्या था अपना याद होगा आपको, 50 पैसा इज इक्वल टू 1/2 रुपी, तो मुझे ये 11 रुपीज़ है, ओके अपना रुपीज़ में एक ही यूनिट रहेगा रुपीज़, तो मुझे रुपीज़ में चाहिए, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब मुझे मिलेगा 1 रुपी मतलब 100 पैसे, ठीक है, तो इधर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, तो मेरा होगा 22, और इधर 20 पैसे कॉइन दिया है मुझे, ओके 20 पैसा दिया है और 20 पैसे का 7 रुपये दिया है, 20 पैसे का 7 रुपये दिया है, तो कितने कॉइन्स होने वाले हैं 20 पैसे को 7 रुपये बनाने के लिए, तो मुझे पता है कि 1 20 पैसा कितना होता है मेरा 1/5 रुपी होता है, तो इसको मुझे अगर 7 बनाना है तो जस्ट मैं मल्टीप्लाई करूँगा 7 × 5, ठीक है, तो 35 20 पैसे जब कॉइन रहेंगे तब मुझे मिलेगा 7, कैसे देखो 35/7 दैट इज़ योर 5 रुपीज़, ठीक है 5 रुपीज़, तो ये आपको समझा होगा अभी हमने कैसे निकाला, ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने वैल्यू से नंबर ऑफ कॉइन्स निकाले, ओके वैल्यू से नंबर ऑफ कॉइन निकालो ऐसा लिखो, उसके नीचे ये क्वेश्चन आएगा और सोल्यूशन आएगा प्रॉपरली, ठीक है रिवीजन के टाइम आपको काम आएगा, ओके अभी तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है अपना आंसर, तो जाते हैं फिर से।
अभी मुझे इधर दिया है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 420, तो अपना काम हो गया। देखिए टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आ गए मेरे पास, तो करो अभी 13 प्लस 22 कितना हो गया मेरा, 35 35 35 70। तो मुझे अगर 70 का दिया है वैल्यू 420, जो कि मेरा होता है 6 टाइम्स, ओके सॉरी 60 नहीं होगा, आई गेस ये 0 0 का है ना, 6 टाइम्स होगा, ओके 6 टाइम्स होगा। तो अभी मुझे निकालना है नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स, तो कितने 50 पैसा कॉइन्स है मेरे पास, कितना है 132 कॉइन्स है मेरे पास 50 पैसे के। और अगर 132 कॉइन्स है तो मुझे पता है इसका जो वैल्यूज रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, डिवाइड बाय 2, तो 66, ओके 66। तो ये आपको पता, आई होप पता चला होगा, 132 रुपये है। अगेन इधर कन्फ्यूजन हुआ है, तो 132 रुपये है, 50 पैसा मतलब कितना रहता है अपना हाफ, ठीक है, तो डिवाइड बाय 2 कर दो, मतलब ऐसे कर रहा हूँ मैं, ठीक है, डिवाइड बाय 2 गए। ओके 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 ओ नंबर ऑफ कॉइन्स दिया है मुझे, ठीक है, अभी देखो इधर क्या हुआ है। तो उन्होंने दिया है मुझे नंबर ऑफ कॉइन्स, तो नंबर ऑफ 50 पैसे के कॉइन जो है मेरे 66 है, राइट, सॉरी सॉरी सॉरी, नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है मेरा 132। तो ये मेरे कॉइन्स है एक्चुअली, ये वैल्यू नहीं है, ये क्या है मेरे कॉइन्स है। तो टोटल 50 पैसे के कॉइन है 132, ठीक है, टोटल 1 रुपये के कॉइन कितने हैं 78, और टोटल जो 35 के कॉइन है इसको 2 दे दो, तो 70 हो गया, और 70 × 3 210, तो अभी इसका जो एडिशन आपका आएगा 420, तो आंसर मेरा 132 है। तो उन्होंने ऑप्शन में 66 दे दिया है इसलिए कन्फ्यूज़ हो गए, टोटल 132 कॉइन्स थे, राइट, तो इसलिए हम कन्फ्यूज़ हो गए। और 132 कॉइन्स का अगर आपको वैल्यू निकालना है तो फिर मैं करूँगा कि 132 कॉइन्स है, 50 पैसा है मेरा, ठीक है, तो इसको मैं जस्ट डिवाइड कर दूंगा और मेरा आंसर आएगा 66। तो ये मेरा एक्चुअली क्या है, वैल्यू है, जब ये 50 पैसे के मेरे पास 132 कॉइन्स है तो उसका रुपीज़ में वैल्यू 66 रुपये है, राइट, ये आपको याद रखना है। तो देखो उन्होंने वैल्यू भी दिया था और ये भी दिया था, और ज़रा सा थोड़ा कन्फ्यूजन में आंसर में टिक किया, ये मिस्टेक हो सकता है। तो हमेशा इस क्वेश्चन में याद रखना है आपको कि लास्ट में क्या दिया है, नंबर दिया है या वैल्यू दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नोट लिख दो, ओके एक जगह लिख दो ये, क्योंकि ये मिस्टेक आपसे भी हो सकती है। जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और ये क्वेश्चन आप ट्राई करो, अभी पॉज करो वीडियो को और ट्राई करो, सेम क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट आपको लगाना है। अ बॉय हैज़ फ्यू कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 50 पैसा 25 पैसा एंड 10 पैसा, ठीक है, रेशो दिया है नंबर ऑफ कॉइन्स का, टोटल अमाउंट ऑफ द कॉइन्स इज 6.50 रुपीज़, तो टोटल अमाउंट दिया है मुझे 6.50 रुपीज़, द नंबर ऑफ 10 पैसे कॉइन अपने को निकालने हैं, ठीक है, ठीके? तो मुझे क्या दिया है, बेसिकली नंबर दिया है, तो नंबर क्या क्या है कॉइन के, 1 2 एंड 3, ठीक है, ये मेरा क्या है 1 रुपया नहीं 50 पैसा, ये मेरा 25 पैसे एंड ये मेरा 10 पैसा है, ठीक है। अभी इसका वैल्यू देखते क्या रहता है, तो 55 पैसा है, 55 पैसे का एक कॉइन है, मतलब कि वैल्यू क्या आएगा हाफ, राइट, कुछ नहीं कर सकते। इधर 25 पैसा है और उसके दो कॉइन है मेरे पास, तो मेरा क्या वैल्यू आया 2/4, राइट, मल्टीप्लाई करना है जस्ट। और इधर मेरा है 10 पैसे के कितने कॉइन है, 3 कॉइन है, मतलब कितना कॉइन, एक 10 पैसा कितना क्या होता है, फर्स्ट थिंग 10 पैसा क्या होता है आपका 1/10 रुपीज़, ठीक है, तो अगर 3 कॉइन है मेरे पास तो ये मेरा वैल्यू हो गया 3/10, ओके इधर तक हम आ गए। तो मतलब जिनको प्रॉपरली समझ नहीं आई है, क्या कर रहा हूँ मैं, 1 × 1/2, ओके 2 × 1/4, ये 50 पैसा है, ये 25 पैसा है, और 3 × 1/10 10 पैसा है, ठीक है, ये आपको पता है, ओके। अभी इधर देखिए एलसीएम निकाल सकते हैं, इधर नीचे वाले का और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू का प्रॉपर अपने को आ जाएगा। तो एलसीएम कितना है देखते हैं, 2 बाहर निकालो, 2 बाहर निकाला, इधर 1 बचा, इधर 2 बचा, इधर 5 बचा, तो 5 × 10 और 20, ठीक है, 20 मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, तो 20/2 10 10 6, ओके ये मेरा वैल्यू हो गया 10 10 6। अभी इसको देखते हैं और सिंप्लीफाई हो सकता है, ओके हाफ कर दो, 5 5 3, ठीक है, तो कितना है 10 और 13, तो मतलब ये जो 13 है इसका वैल्यू मुझे दिया है 6.50 रुपीज़, ठीक है 6.50, जो कि आपका कितने टाइम से, देखिए 0.5 टाइम्स लग रहा है मुझे, ठीक है 0.5 टाइम्स है। तो क्या निकालना है मुझे, द नंबर ऑफ 10 पैसे कॉइन, अभी अलर्ट रहना है, नंबर पूछा है, ठीक है, तो पहले वैल्यू निकालते हैं फिर अपने को नंबर तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा 0.5 टाइम्स है, 10 पैसे का पूछो, जो 10 पैसे किधर है, ये है 3/10 है, ओके तो ये मेरा हो गया 0.3 × 0.5, मतलब 3 × 5 = 15, और 0.15 मेरा हो गया, ठीक है इस तरीके से हो गया, और 0.15 हो गया, तो 0.15 को मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा कितना आता है
वो सॉरी सॉरी सॉरी, वो सिंप्लीफाई का लेना है ना अपने को, अपने को क्या लेना है, सिंप्लीफाई का लेना है, वही मैं सोचूं। देखो सिंप्लीफाई करके अपने को क्या मिला था, इधर वैल्यू 6, 6 एंड 3, ठीक है। तो अभी क्या आया अपना, 13 का वैल्यू मुझे दिया था 6.50, जो कि मेरा 0.5 टाइम्स था। तो 3 का वैल्यू क्या रहेगा, 0.5 टाइम्स रहेगा, मतलब 1.5 रहेगा। और ये 1.5 को मुझे 10 पैसे के निकालना है, मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरा 15 हो जाएगा। तो टोटल वैल्यू जो है मेरा 15 है, ओके। टोटल जो वैल्यू है मेरा 15 है, मुझे निकालना है नंबर ऑफ 10 पैसा कॉइन्स। ओके सॉरी सर, ये कॉइन आ गए ना, ये अपने कॉइन आ गए, ठीक है। ये आपका वैल्यू था 1.5 रुपीज़, आपका वैल्यू था मतलब 1.5 रुपीज़ मेरे पास है टोटल 10 पैसा। ओके तो 1.5 रुपीज़ के 10 पैसे के कॉइन है, तो कितने कॉइन होंगे, 1/10। तो ये होगा मेरा 1.5 × 10, मतलब 15, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। ओके और एक क्वेश्चन देखिए, अ मैन हैज इन ऑल 640 इन द डिनोमिनेशन ऑफ 1 रुपया, 5 रुपये और 10 रुपये, कि नोट से अभी, ओके अभी नोट्स दिया है। द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ नोट्स आर इक्वल, तो जो नंबर है नोट्स के, ओके टोटल 650 रुपीज़ हो रहा है, तो नंबर इक्वल है नोट्स के, ओके। वॉट इज द टोटल नंबर ऑफ नोट्स ही हैज, तो अपने को निकालना है कि वो टोटल नंबर जो है वो क्या है। ओके तो कैसे करेंगे, अभी सपोज हर एक को मैं एक्स मानता हूँ, ठीक है, हर एक को मैं एक्स मानता हूँ। तो 1 रुपये के एक्स नोट मतलब कितने रुपये हुए, देखो 1 रुपये के एक्स नोट मतलब कितने रुपये हुए, एक्स रुपये हुए, राइट। 5 रुपये के एक्स नोट, क्योंकि सब इक्वल दिया है मुझे, मुझे दिया है ना इधर, देखो टाइप ऑफ नोट्स आर इक्वल, तो मैं एक्स हर एक को एक्स मानूंगा, तो ये मेरा होगा 5 रुपये। और 10x के 10x इंटू मतलब 10 रुपीज़ के एक्स नोट है, तो मेरे पास है 10x रुपये, ओके। तीनों के रुपए आ गए मेरे पास, और टोटल जो इसका वैल्यू मुझे दिया है वो 640 दिया है, तो ये मेरा एडिशन होता है 16, ठीक है। 16x, ये मेरा 640 दिया है मुझे, जो कि कितने टाइम्स है, 40 टाइम्स है, एक्स का वैल्यू 40 आएगा। और मुझे पूछा है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ नोट्स, तो एक्स का वैल्यू 40 आ गया, तो मेरा 40, ओके 40 और ये 200, नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो गया, ओके एक्स का वैल्यू 40 आ गया ना, तो हम ये वैल्यू निकाल रहे हैं, वैल्यू नहीं निकालना अपने को, क्या निकालना है नंबर। तो एक्स देखो ये था ना, 1 रुपये के कितने नोट, 5 रुपीज़ के कितने नोट, 10 रुपीज़ के कितने नोट, एक्स का वैल्यू आ गया है 1 रुपये के 40 नोट, 5 रुपये के 40 नोट, 10 रुपये के 40 नोट, ठीक है। टोटल नोट आपके हो गए 120, और इन सब का वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आपका 640 आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देखोगे इसका जो एडिशन है, ओके 640 आने वाला है। ओके अगर आपको रेशियो फॉर्म में करना है तो कैसे करोगे, देखो अगर मैं इसको रेशियो में लिख दूँ एक्स 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 को, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये बन जाएगा 1, 1, 1, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली मानता हूँ 1 रुपये, 5 रुपये एंड 10 रुपये, इसको मैं रेशियो में मानता हूँ 1, 1, 1, ओके। और ये मेरा क्या है, डिनोमिनेशन 650 रुपीज़ वैल्यू, ये मेरा वैल्यू है, ओके। नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ नोट्स आर इक्वल, ये नंबर मैंने है, नंबर मेरा इक्वल है, ओके एक एक नंबर मेरा इक्वल है। अभी मुझे वैल्यू निकालने हैं, तो वैल्यू क्या क्या होंगे, 1 रुपये × 1, 1, ओके 5 रुपये × 1, 5 एंड 10 रुपीज़ × 1, 10। तो मेरा कितना हुआ टोटल वैल्यू, 16 हुआ, ठीक है। तो ये 16 मेरा क्या है, 640 है, जो कि आपका 40 टाइम्स है, तो जस्ट 40, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, और टोटल आपका आएगा 120, इस तरीके से आपका होगा, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 11, अ बॉक्स कंटेन 56 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स ऑफ 1 रुपये, 50 पैसा, 20 पैसा, द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन इज डबल द नंबर ऑफ 20 पैसे कॉइन एंड 4 टाइम्स द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स, ठीक है। बहुत ही अच्छी तरीके से समझो इसको, क्वेश्चन को, ये स्टेटमेंट इधर से, हाउ मेनी 50 पैसे कॉइन्स आर देयर, तो अपने को कॉइन्स निकालना है। अभी क्या दिया है मुझे, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज डबल द नंबर ऑफ 20 पैसे कॉइन्स, जितने भी 20 पैसे कॉइन है उससे दुगना है 50 पैसे कॉइन्स, एंड 4 टाइम्स नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन, जितने भी 1 रुपीज़ कॉइन है उससे 4 गुना ज़्यादा मेरे पास है 50 पैसे कॉइन, तो मुझे निकालने हैं टोटल 50 पैसे कॉइन मेरे पास कितने हैं। ओके कैसे करेंगे, अभी 1 रुपया, 50 पैसे एंड 25 पैसे, ओके। अभी देखिए इधर सबसे इम्पोर्टेंट मुझे दिया है कि 50 पैसे के मेरे दो
डबल कॉइन है ओके, जितने भी 25 पैसे कॉइन है। तो मैं क्या मानता हूँ कि सपोज अगर मेरे पास एक्स वैल्यू है ओके, 50 पैसे के मेरे पास एक्स कॉइन्स है, नंबर कितने कॉइन्स है, एक्स कॉइन्स है, तो 25 पैसे के कॉइन के डबल है 50 पैसे, ठीक है, मतलब 25 पैसे क्या वो मेरा हाफ हुआ, यस और नो? ओके, 25 पैसे के कॉइन सपोज मेरे 50 है तो मुझे क्या दिया है, 50 पैसे कॉइन इज डबल, तो मेरे 50 पैसा 100 है, 100 है राइट। तो ये मेरा उल्टा भी कर सकता हूँ, मैं मानता हूँ मतलब 50 पैसा 100 है ठीक है, तो 25 पैसा कितना होगा 50, तो वही मैंने किया, हाफ कर दिया ओके। और सिमिलरली मुझे दिया है कि 1 रुपये कॉइन का कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो मतलब सपोज आपका 1 रुपये का कॉइन आपके 20 है तो आपके 50 पैसे कॉइन्स 4 टाइम्स है मतलब 80 हुए, ठीक है। तो मैंने इधर माना है x, तो इसको मैं जस्ट डिवाइड करता हूँ x बाय 4 से, क्यों, क्योंकि 4 टाइम्स से मैं डिवाइड कर दूंगा, देखो आप 20 है तो इसको अगर 50 पैसे कॉइन के 4 से डिवाइड करता हूँ ओके, तो मेरा होता है 20, ठीक है। तो इस तरीके से आपके आएंगे नंबर, और ये अभी इधर फिर से आपका x गायब हो जाएगा और आपके पास बचेगा 1/4, 1.5, ठीक है। अभी इधर 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो प्रॉपर नंबर को नंबर मिल जाएगा, तो 8 2 8 एंड 4 था ओके। और फिर से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 4 2, ठीक है, 1 4 2 मेरा ये आया नंबर, ये मेरा आया नंबर ओके। अभी वैल्यू दिया है मुझे 56 रुपीज़, तो वैल्यू देखते हैं क्या आता है। तो 1 रुपये के 1 कॉइन मतलब 1 रुपया, ठीक है, ये अभी वैल्यू इधर दिखता हूँ मैं वैल्यू, तो 1 रुपये का 1 कॉइन मतलब 1 रुपया, 50 पैसे के मेरे पास 4 कॉइन है मतलब 2 रुपया, ठीक है, तो 1 2, 50 पैसे के मेरे पास 2 कॉइन है, 25 पैसे के पास मेरा 2 कॉइन्स है मतलब कितना, 2/4 मतलब हाफ, ठीक है, हाफ। अभी सब जगह 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 4 एंड 1, ये मेरा वो वैल्यू, ठीक है। और इसका जो आंसर है मतलब ये कितना दिया है, 7, ये 7 जो है मेरा 56 रुपीज़ है, मेरा 8 टाइम्स है ओके, 8 टाइम्स है, तो वैल्यू जो है 50 पैसे का, 50 पैसा कितना, इधर देखो 4 है, ठीक है, तो 4 × 8 32 रुपीज़, तो 30 रुपीज़ मेरे पास 50 पैसे का वैल्यू है, मतलब मेरे पास इतने कॉइन्स है 50 पैसे के कि उसका वैल्यू जो है 32 रुपीज़ है, मतलब 50 पैसे के कितने कॉइन है, तो 32 रुपीज़ अपॉन 50 पैसा मतलब हाफ, तो ऊपर जाएगा डबल हो जाएगा 64, तो 64 कॉइन्स मेरे पास 50 पैसा के है, ठीक है, जिसका वैल्यू है 32 रुपीज़। इस तरीके से आपको करना है, जिनको भी थोड़ा भी प्रॉब्लम हुआ होगा, आई होप मतलब लगता है हुआ होगा, अगेन रिवाइंड करो पूरा ओके, पूरे बेसिक से देखो, तीनों क्वेश्चन अच्छे हैं अपने, तो आप अच्छे से देख सकते हो इसको, ठीक है ओके। अ सम ऑफ 50 रुपीज इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी सी इन सच अ वे दैट ए गेट्स 7 मोर देन बी ओके, मोर देन व्हाट बी गेट्स एंड बी गेट्स 8 मोर देन सी गेट्स, रेशियो ऑफ देयर शेयर इज, ठीक है। तो ये 50 रुपीज को हमने डिवाइड करना है इस तरीके से कि ए गेट्स 7 मोर देन बी, ठीक है, बी को जितना भी मिलता है उससे 7 रुपये सपोज ए को ज़्यादा मिलता है, और बी को 8 रुपये ज़्यादा मिलता है जितना भी आपको सी का मिलता है, ठीक है। तो सपोज मैं अज्यूम करता हूँ कि बी को, क्योंकि बी कॉमन है दोनों में राइट, दोनों में बी कॉमन है, तो सपोज रेशो निकालना है, तो मैं मानता हूँ बी को एक्स मिलता है, ठीक है, तो जितना भी बी को मिलता है उससे 7 ज़्यादा मिलता है किसको, ए को, मतलब इसको मिलेगा एक्स प्लस 7, ठीक है, और जितना भी, और बी को 8 ज़्यादा मिलता है सी से, जितना भी सी को मिलता है उससे 8 ज़्यादा किसको मिलता है, बी को, मतलब सी को 8 कम मिलता है, ठीक है, सी को जितना बी को मिलता है उससे 8 कम मिलता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ राइट। अगर बी को देखो बी प्लस 8, ठीक है, बी इज इक्वल्स टू सी प्लस 8, ठीक है, तो सी मतलब क्या होगा, बी माइनस 8, वही लिख रहा हूँ मैं, बी का हमने एक्स माना है राइट। तो अभी इसको कैसे करेंगे, क्या दिया है मुझे, वैल्यू दिया है 50 रुपीज़, और यही वैल्यू है मेरा, तो जस्ट क्या करना है, ऐड कर दो 1 2 3, तो 3x, ठीक है, 7 और 1 -1 इज इक्वल टू 53, उधर जाएगा प्लस 1 हो जाएगा 54 हो जाएगा, और ये मेरा 3 1 और 8 18, तो 18 हो गया, ठीक है, तो 18 प्लस 7 कितना होता है आपका, 18 प्लस 7 25, एक ही ऑप्शन में आंसर 18 और 10 ओके, इस तरीके से आपको फाइंड करना है। तो ये था आपका पूरा रेशो, 12 क्वेश्चंस जो है इनफ है ठीक है, ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है एग्जाम से पहले, और इसमें से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे। तो मंडे से एक्चुअल आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो अपना शाम को स्ट्रैटेजी वीडियो आएगा तब बताऊंगा आपको कि क्या क्या करना है, तब तक रेस्ट करो अभी, ठीक है, और वेट करो शाम तक, मिलते हैं स्ट्रैटेजी वीडियो में ओके, ऑल द बेस्ट।